दोस्तों, जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और दिमाग को भी अच्छा महसूस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसान को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए? आखिर मीठी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद किस तरह से असर करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है? आज इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि कोई भी मीठी चीज जिसे हम खाते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, और पचने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वह अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, ग्लैक्स और फ्रुक्टोज में टूटकर हमारी आंतों से ऑब्जर्व होकर हमारी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। अब इसमें से जो ग्लूकोज और ग्लैक्स है वो तो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज इम्पोर्टर के जरिए एंटेरोसाइट में पहुंच जाते हैं, और जो बचा फ्रुक्टोज है वो ग्लैडफाई नाम के ट्रांसपोर्टर के जरिए एंटेरोसाइट के अंदर प्रवेश करता है, और फिर यह तीनों ही ग्लूकोज, ग्लैक्स और फ्रुक्टोज ग्लू नाम के ट्रांसपोर्टर से होते हुए हमारे ब्लड वेसल में मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट इन तीन अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, जितनी भी मीठी चीजें हम खाते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, लेकिन हमारे द्वारा खाई जाने वाली मीठी चीजें अलग अलग प्रकार की होते हैं। अब जैसे कि जो फ्रुक्टोज है वो हमें फलों से प्राप्त होता है, यानी कि फल शरीर के अंदर जाने के बाद फ्रुक्टोज में बदल जाते हैं। ग्लैक्स की बात करें तो ये हमें दूध से प्राप्त होता है, यानी कि दूध या फिर इससे बनने वाली चीजों के अंदर के मिठास लैक्टोज में बदल जाते हैं। और जो ग्लूकोज होता है वह हमें चीनी, चावल, गेहूं, सब्जियां और बाकी की हाइड्रोकार्बन वाली चीजों से प्राप्त होता है। अब ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद कार्बोहाइड्रेट की ये तीनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म सीधा नसों से होते हुए हमारे लिवर के अंदर पहुंचती हैं, जहां पर इन तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म का मेटाबॉलिज्म होने लगता है। यानी कि ये जो तीनों ग्लूकोज, ग्लैक्स और फ्रुक्टोज हैं, इनका मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर अलग तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लैक्स के, क्योंकि अब ग्लट 2 के जरिए ग्लैक्स लिवर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये ग्लैक्स बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कहा जाता है, और फिर एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर कर लिया जाता है, ताकि ये बाद में हमें एनर्जी दे सके। लेकिन जब इसी ग्लैक्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तब दो और प्रोडक्ट्स इसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, जिसमें से एक होता है गैलेक्टोट और दूसरा होता है गैलेक्टोल। ये दोनों ही हमारे गट के बैक्टीरिया को फीड करने में मदद करते हैं। लेकिन जब ग्लैक्स के मेटाब में गड़बड़ी आती है तो यही गैलेक्टोल हमारी आंखों में इकट्ठा होने लगता है, जिसका परिणाम मोतियाबिंद के रूप में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसके मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से बच्चों में मानसिक विकास का विरोध, सीजर्स जैसी कई सारी अलग अलग प्रकार की खतरनाक बीमारियां घर करने लगती हैं। यानी कि अगर इसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से हो रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर गलत तरीके से हो गया तो ये बीमारियों को नौता देता है। और यह तो केवल एक कार्बोहाइड्रेट की बात हुई, क्योंकि अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो दोस्तों, इसका मेटाबॉलिज्म भी काफी अनोखे ढंग से होता है, जहां ग्लट 2 ट्रांसपोर्टर के जरिए लिवर के अंदर फ्रुक्टोज पहुंचता है, और लिवर के अंदर पहुंचते ही इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म से अंत में ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होता है, साथ ही ग्लूकोज भी बनता है, जहां ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन में बदल जाता है, फिर इकट्ठा होने लगता है। हालांकि फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लैक्टे में बदल जाता है, जिसे आम भाषा में लैक्टिक एसिड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, शरीर के अंदर फ्रुक्टोज की कमी या इसके मेटाबॉलिज्म में कहीं गड़बड़ी आ गई, या फिर अगर फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर में गड़बड़ी हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन में कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी नपुंसक हो सकता है। जी हाँ, असल में यह प्रैक्टिस हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो शरीर से जुड़ी कई सारी बीमारियां तो होती हैं, लेकिन नपुंसकता जैसी चीज से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आपका शरीर कैसा है और किस तरह से काम करेगा, उसका ज्यादातर हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ग्लूकोज पर, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ग्लूकोज भी हमारे लिवर में बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही ग्लट 2 ट्रांसपोर्टर के जरिए आता है, लेकिन जब ये लिवर के अंदर प्रवेश करता है तो या तो इसका ग्लाइकोलाइसिस होकर ये ATP का निर्माण करता है, जिसे आप आम भाषा में एनर्जी भी कह सकते हैं, या फिर ये ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर में ही स्टोर हो जाता है, जैसे कि बाकी के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन अगर उसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आई तो डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। असल में लिवर के अंदर अब्सॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्स ब्लड में ट्रेवल करते रहते हैं, जिसमें से अधिकतर लिवर में जाकर प्रोसेस हो जाते हैं, और तब प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज ब्लड में फ्री ट्रेवल करते रहते हैं और शरीर के अलग अलग टिश्यूज में जाते हैं, और वहाँ पर ग्लूकोज हमारे हर एक सेल में प्रवेश करके ग्लाइकोसिन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं, जिससे ATP का निर्माण होता है।
लेकिन कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिसमें खास तरह का ट्रांसपोर्टर होता है जो कभी भी ग्लूकोज को डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं करने देता। अब ऐसे टिश्यू जिसमें ग्लूकोज इनडायरेक्टली सेल में एंटर नहीं कर पाता है, उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्पेशल किस्म के टिश्यू हमारे शरीर में मसल और डिप्स टिश्यू में होते हैं, जिनमें ऊपर एक स्पेशल किस्म का इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, जिसे ग्लटूल ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जहां इंसुलिन आता है और इन सभी ग्लेड 4 ट्रांसपोर्टर को खोलता है, तब जाकर इनके अंदर